भी हो ही गया। ठीक है। अरे आई, तेरा घर तो कितना अच्छा है। जिस तरह तू मुझे बोलती थी नहीं आने को, मुझे तो लगा था तेरा घर बुरा होगा। अरे कौन है बेटा, आयु? अरे मेरी सहेली अनु है, चल चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलोगी, तुम्हारी सहेली पहली बार आई, उसको कुछ खाने पीने देगी? अरे नहीं जाओ, तुम लोग को लेट हो रहा है, चल चलते हैं यार। अरे अभी कहाँ लेट हो रहा है, समय क्या हो रहा है? अरे आंटी घड़ी तो उधर लगी है। अरे बेटा वो क्या है ना, वो चौकड़ी घड़ी है, मुझे समझ नहीं आती है। ओ तब तो अभी 7:15 हो रहा है। अब ये क्या होता है? क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं देरी में चल रहा यार, चलते देखो स्कूल नहीं चला। हाँ जाना है, काम डाउन। अरे बेटा तुम्हारे बस आने का टाइम ना जब सूरज खिड़की पे आता है तभी होता है। oh, no. सूरज? सूरज कौन, हमारा वॉचमैन या तो कचरा वाला? अरे नहीं बेटा, सूरज ना वो जो आसमान से निकलता है। ओ सॉरी, और पानी लेकर आ सकते हो क्या मेरे लिए प्लीज? हाँ बेटा लेके आई मैं पानी। ये ले बेटा तेरा टिफिन। यार वो चल रहा है, जल्दी चल रहा, लेट हो रहा है। अरे कहाँ लेट हो रहा है, अभी सूरज थोड़ी आया है खिड़की पे। अरे खबर है तूने वो मजाक बनाया तो। ये ले बेटा साड़ी। हाँ? और ये पानी। इस साड़ी क्यों बेटा, तुमने ही तो बोला ना ये साड़ी और पानी। अरे आंटी मेरे मतलब साड़ी नहीं था, मैंने सॉरी बोला था, मतलब मैं माफी मांग रही थी क्योंकि मुझे लगा आप सूरज वॉचमैन को बोल रहे थे। अच्छा ये लो मम्मी आपकी साड़ी, अपना काम करो, हम लोग को बहुत देरी हो रही है, चल ना चलते ना स्कूल। ये लीजिए आंटी। चल ओके बाय आंटी। खाना खा लो। नहीं खाना मुझे, अब जाओ यहाँ से। अरे पर हुआ क्या, जब से स्कूल से आई है शाम से रात हो गई, ना बात ना चीत, गुस्से में ही बैठी है। गुस्सा आपकी वजह से आ रहा है, आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो जाती है। कितनी बार कहा है माँ, मेरे सहेलियों के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, और आप तो अनपढ़ हो, कुछ भी नहीं आता है आपको, सॉरी को आप सारी बोलो, मतलब ये कौन कर रहा है मम्मी यार, पूरी बेइज्जती हो जाती है। पता है आपकी वजह से पूरा दिन क्लास में मेरा मजाक उड़ा रहे थे सब लोग। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया मतलब क्या, पूरी क्लास में मेरी बेइज्जती हो गई या आपके वजह से वो भी? अब आइंदा का मेरे दोस्त कभी आते भी है ना, तब अपना किचन में काम करने का है तो बेडरूम में चले जाने का, बट वहाँ पे नहीं आने का जहाँ हम लोग सब दोस्त हैं। अच्छा ठीक है बाबा, आगे से ध्यान रखूंगी। मैंने सोचा तेरी सहेली है, अगर उसको पानी वानी नहीं पिलाया तो उसको बुरा लगेगा। बुरा लगेगा, जो मेरी क्लास में पूरी इंसल्ट होगी उसका मुझे नहीं बुरा लगेगा। ठीक है बाबा, आगे से ध्यान रखूंगी, अभी तो खाना खा ले। नहीं मुझे नहीं खाना, आप जाओ, आप ना मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा इंटरप्ट करते हो, नहीं आने का इतना, मुझे अपना काम करने देने का, आप जाओ। मेरी बेइज्जती हो जाती है, कितनी बार कहा है माँ, मेरे सहेलियों के माँ बाप पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, और आप तो अनपढ़ हो। अब आइंदा का मेरे दोस्त कभी आते भी है ना, तब अपना किचन में काम करने का है तो बेडरूम में चले जाने का, बट वहाँ पे नहीं आने का जहाँ हम लोग सब दोस्त हैं। यार जल्दी जल्दी करती हूँ ना, कल की तरह लेट हो जाएगा। आयु मैं देखो कितना फोन कर रही हूँ, तो मैं फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे तू यहाँ क्यों आ गई, हम लोग स्कूल में तो वैसे भी मिलने वाले थे ना। हाँ पता है, मेरी मम्मा ने भी सेम ही चीज कहा था कि मैं तुझसे तो मिलने ही वाली हूँ स्कूल में, लेकिन तू मेरा फोन कॉल इग्नोर कर रही थी, तो मैं सोची तुझसे पहले मिल लूँ। हाय आंटी। नमस्ते बेटा, ये लो मैं आज बिना बोले ही पानी लेके आई, बिना गलती किए हुए। आंटी अब तैयार नहीं हुआ अभी तक? मैं क्यों तैयार हूँ बेटा, आज पेरेंट टीचर्स डे मीटिंग है ना, सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, मेरी मम्मा भी आ रही हैं, आप नहीं आ रहे? आयु बिटिया ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, क्यों आयु?
अरे माँ आपको आनी क्या जरूरत है, सब लोग वहाँ इंग्लिश में बात करते हैं, आपको तो इंग्लिश की ई भी नहीं आती है। मैं क्या करूँ बेटा, हमारे समय में अंग्रेजी पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता था और मेरे बापूजी शहर जाने की इजाजत नहीं देते थे। तुम उससे इजाजत क्यों मांग रहे हो, प्रिंसिपल जो समझाएंगे वो तो आपको समझ आने वाला नहीं है, तो इससे बता चुपचाप घर पे बैठे रहो। तो क्या हुआ बेटा, मैं हिंदी में बात कर लूंगी ना टीचर से। उफ, पूरी क्लास के सामने तो आपने वैसे भी बेइज्जती करा दी है, और पूरे स्कूल में बेइज्जती कराने का शौक है क्या? आना ही पड़ेगा ना, याद है ना पिछली बार पेरेंट टीचर्स डे मीटिंग में जब तेरी मम्मा नहीं आई थी तो क्या हुआ था? क्या हुआ था बेटा? अरे आंटी आई को 50 उठक बैठक कराए थे। तो क्या हुआ, इस बार भी कर लूंगी, अपनी अनपढ़ माँ की वजह से पूरा साल इंसल्ट कराने से बेहतर तो मैं 50 सिटअप ही कर लूँ। अब मैं स्कूल जाए तेरे को चलना है तो चल, वरना यहाँ माँ के पास ही बैठी रहे। अरे मैं आ रही हूँ। आने को फिर भी आ जाती हैं, आ गई पूरा इंसल्ट कराने हमारी। Are you Ayushka's mother? Yes, yes, teacher, mother. Were you actually ill? No, no, teacher. My तबीयत not खराब, my English is खराब. मैं हिंदी में बात करती हूँ ना, इसके लिए मुझे नहीं ले आती मीटिंग में, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन टीचर मैं बहुत अच्छे से इसका ध्यान रख सकती हूँ, अपने घर को चला सकती हूँ, जैसे सभी औरतें करती हैं वैसे मैं भी कर सकती हूँ। मैं हिंदी में सिर्फ बात करती हूँ, इसके लिए ना इसको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। टीचर मैं इसको टाइम टाइम से खिलाना, टाइम से पढ़ने के लिए बैठाना, इसको स्कूल के एग्ज़ाम के टाइम में क्या देना है क्या नहीं देना है मैं पूरा ध्यान रखती हूँ टीचर। यस, यूर अ वेरी गुड मदर। एंड आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, आप तो एटलीस्ट पढ़ी लिखी है। मेरे पैर तो सीधा अंगूठा छापा है, लेकिन उनके पास चॉइस भी नहीं थी, वो उनकी मजबूरी की वजह से है। एंड आयुष्का, हमारे पैर की काबिलियत उनकी पढ़ाई से नहीं बल्कि उनके स्वभाव, उनके परवरिश, उनके नेचर से देखी जाती है। एंड एज एन इंडियन तो हमें प्राउड होना चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है, एंड उसके बारे में अशेम नहीं रहना चाहिए। सॉरी टीचर। और ना तुम्हारी मॉम तो सच ही कह रही थी, उनको सब पता है जो आज हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बताने वाले थे, और उल्टा वो तो बाकी नए टीचर तो पेरेंट्स को गाइड भी कर सकती हैं। सॉरी माँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं आज तक को एक भी पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आई, पर माँ अब मुझे समझ आ गया है कि इंग्लिश बोलने या पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हिंदी भाषा भी एक इंसान को वही नॉलेज देती है जो इंग्लिश भाषा देती है, हमें बस उसे अपनाने की ज़रूरत है, उसे समझने की ज़रूरत है। मेरी माँ अनपढ़ गवार नहीं है, मेरी माँ उतनी समझदार है जितनी कोई इंग्लिश स्पीकिंग लेडी होगी। अच्छी बात है, आज तो हिंदी दिवस है तो आज हम हिंदी भाषा की इम्पोर्टेंस सीख गए। हिंदी हमारे देश की मातृभाषा है, हमें उस बात से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए बल्कि उस बात का गर्व होना चाहिए। जय हिंद।